हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को और घंटी के बटन को दबाकर सबसे पहले ट्रैक्टर के वीडियोस देखें। गुड आफ्टरनून, मैं रोहित सिंह हूँ। स्वान कंपनी में महाराष्ट्र शेड देखता हूँ। स्वान कंपनी स्वान एग्रो डिवीजन न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड का एक पार्ट है, जो कि 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद हमने 2009 में एग्रो डिवीजन चालू किया था, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्लाइंग सारी चीज़ों के लिए इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं। आइए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये हमारा मल्चर है। जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती थी हार्वेस्टिंग करने के बाद, शुगर केन, कॉटन, जो भी ट्रैश बच जाता था खेतों में, ये क्या करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से हमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये क्या करता है, उसके टुकड़े कर देता है, उसमें जब हम पानी लगाते हैं उसके बाद जैविक खाद तैयार हो जाती है। दूसरा इम्प्लीमेंट है हमारा रैकर। रैकर जो है ये एक बेलर मशीन आती है, जिससे जो भी ट्रैश होता है उसके बंडल्स बनते हैं 40-40 kg के। उससे पहले ये मशीन चलाई जाती है। ये क्या करता है, ट्रैश को दोनों साइड कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर जब बेलर चलता है उसके 40 kg के बंडल्स बनते हैं। तीसरी मशीन है हमारा ये रोटावेटर। ये हम फुल फ्लेज प्रमोट करते हैं। हैवी ड्यूटी गेयर बॉक्स है। इसके बैरिंग सारे SKF के हैं। स्किड शू से लेके सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की हैं। ब्लेड्स हम ओरिजिनल इटली से इंपोर्ट करते हैं। बाकी रोटावेटर्स के कंपैरिजन में इसकी ब्लेड और बॉडी के बीच में जो गैपिंग है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी मिट्टी या पत्थर आने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फोर्थ मशीन है हमारी ये पोटैटो टर्मरिक जिंजर डिगर। जो भी क्रॉप बेड में लगती हैं वो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसका ये आगे का पार्ट है। ये सॉइल के अंदर डिगिंग के काम आता है। उसके बाद ये मशीन है, जो भी मिट्टी होती है ये उसे झाड़ देती है। उसके बाद ये रोलर है, पीछे की सॉइल को फ्लैट करता चलता है रोलर, और जो भी होता है वो सेंटर में गिरता है, चाहे वो जिंजर हो, टर्मरिक हो, पोटैटो है। महाराष्ट्र में भी ये जिंजर और टर्मरिक के लिए यूज़ होती है। पांचवी मशीन है हमारा ये रोटावेटर। ये भी रोटावेटर है, जैसे कि मैंने थर्ड मशीन में बताया था, बट इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। इसका गेयर बॉक्स जो होता है वो थोड़ा साइड शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी संतरे के झाड़ दें या अनार के झाड़ दें ये पेड़ के नीचे तक जाके क्लीन कर सकता है। ये जो सेक्शन है इसमें हमारे पास चार मॉडल हैं। ये मिनी सीरीज सेक्शन है। ये रिवर्स फॉरवर्ड मॉडल शुगर केन के लिए। ये 24 ब्लेड, 27 HP, 30 HP, 24 HP के लिए। ये मॉडल जो है हमारा वो 22 HP, 20 HP के लिए। और ये हमारा मिनी सेगमेंट है। ये 16 ब्लेड है। ये 16 HP, 12 HP, 10 HP के ऊपर के सारे अल्टरनेटिव्स के लिए चलता है। ये हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, रिवर्स फॉरवर्ड प्रोडक्ट है। ये मेनली शुगर केन में यूज़ होता है। जितनी भी बेड के बीच में चलना होता है 4 फुट एरिया के, ये क्या करता है, जब फ्रंट में चलता है तो ये नॉर्मल रोटावेटर की तरह प्लाइंग करता है। इसके ब्लेड जो हैं वो GF टाइप ब्लेड होते हैं। ये जब फ्रंट में चलेगा तो प्लाइंग करेगा। इसकी PTO दोनों साइड लगती है, इधर भी इधर भी। बट ये जब बैक साइड चलेगा तो ये मिट्टी चढ़ाने के काम करेगा क्रॉप के ऊपर। ये हमारा पावर बीडल सेक्शन है। ये हमारा इटली की कंपनी से टाइप है। ये ओरिजिनली हम इटली से इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास 3 मॉडल हैं, RTT3, Euro 5 और Z2। ये छोटे कस्टमर्स के लिए, 1 एकड़, 1.5 एकड़ जिनके पास खेत है उनके लिए बहुत अच्छी मशीन है। जो भी बैल का काम करते हैं, जिससे भी काम करते हैं, उसका ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। तीनों ही इंजन हमारे पेट्रोल इंजन है। ये 2.2 HP, ये 5.5 HP, ये 6 HP। ये हमारी स्वान एग्रो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि लुधियाना की कंपनी है। हम ट्रैक्टर जंक्शन के साथ हैं अभी। इनका बहुत सपोर्ट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।